हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने डिवाइस में दोस्तों स्क्रीनशॉट सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। और आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप अपने ओप्पो वाले फ़ोन दोस्तों 3 फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग को कैसे इनेबल करोगे और आप उसको कैसे यूज़ करोगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो, अपने 3 फिंगर से आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट को टेक करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा टूल सेटिंग का। तो दोस्तों आपको इस वाले टूल सेटिंग पे क्लिक करोगे और मैसेज टूल सेटिंग पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा नेविगेशन सेटिंग का। दोस्तों यहाँ पर आप गेस्ट सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेस्ट सेटिंग्स के बाद एक और ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग को, रेज टू वीक को, लिफ्ट टू ईयर को है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी सेटिंग है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना, दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट की सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको दीजिएगा 3 फिंगर स्वाइप डाउन वाला ऑप्शन। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन ऑफ है 3 फिंगर स्वाइप डाउन वाला, तो आप इसको पहले इनेबल कर लो, ठीक है। इसको इनेबल करने का दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हो, आप 3 फिंगर से ऐसे नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट को टेक कर सकते हो। मान लो दोस्तों आप अपने फ़ोन में होम स्क्रीन का या दोस्तों डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट टेक करना चाहते हो, तो आप 3 फिंगर से दोस्तों ऐसे नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करोगे तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट को इजीली टेक कर सकते हो। और इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। दोस्तों आप इसके शेप को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप शेप को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट भी कर सकते हो। ऐसे अगर दोस्तों आप कट करते हो दोस्तों आपके फ़ोन में यही वाला स्क्रीनशॉट आएगा इतना, तो आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप दे सकते हो, क्रॉप करने के लिए ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर आप इस पर एरो वगैरह लगाना चाहते हो, यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे एरो करके लगा सकते हो, एरो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हो और एडिट पे क्लिक करो दोस्तों, और भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स वगैरह ऐड कर सकते हो अपने स्क्रीनशॉट पे आप। और दोस्तों यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट जो आया आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको रिनेम कर सकते हो। आप इसी स्क्रीनशॉट का दोस्तों वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पे भी आप इस फोटो को सेव कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों डिलीट हो जाएगा मेरा स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट सेटिंग को, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट सेटिंग को। और अगर दोस्तों आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट सेटिंग को ऑफ़ करते हो फिर दोस्तों यहाँ पर आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट सेटिंग को यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों अब आप अपने फ़ोन में यहाँ पर आप दे सकते हो, आपके फ़ोन दोस्तों एक और ऑप्शन आ रहा है स्वाइप करने के बाद, दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा, तो आप इस पर भी क्लिक करके स्क्रीनशॉट को टेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना।